गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने अध्याय दो अभ्यास 2.5 में आरोह संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना वाले प्रश्न सॉल्व किए थे। आज हम करेंगे संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना। हमारा आगे का प्रश्न है, निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही यानी बड़े से छोटा। पहला है 3672, 1184, 2134, 8465। दूसरा है 4000, 6000, 1150, 2332। आगे है 6530, 3400, 7850 और 2175। क्या करना है इसमें? अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही यानी बड़े से छोटे क्रम में लिखना है, ठीक है। पहला है 3672, 1184, 2134 और 8465। इन चारों में हजार तक की संख्या है, तो हम हजार का अंक देखेंगे कि कौन सा अंक हजार का बड़ा है। इसमें तीन है हजार का अंक, इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें आठ है, तो कौन सा बड़ा होगा? आठ वाला। तो एक नंबर पे 8465, ठीक है। अब इन तीनों में से कौन सा अंक बड़ा है हजार वाला? तीन वाला। तो दूसरे नंबर पे आ गया 3672। अब इन दोनों में से कौन सा अंक बड़ा है हजार वाला? दो वाला। तो तीसरे नंबर पे ये आ गया 2134 और चौथे नंबर पे ये आ गया 1184, ठीक है। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 8465 एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे 3672, तीसरे नंबर पे 2134 और चौथे नंबर पे 1184। पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये है अवरोही क्रम। अब दूसरा देखेंगे, दूसरे में संख्या है 4000, फिर 6000, फिर 1150, फिर 2332। इसमें भी हजार तक की संख्या है, तो हजार का ही अंक देखेंगे। हजार का अंक कौन सा बड़ा है? चार वाला, छह वाला, एक वाला या दो वाला? छह वाला, एक नंबर पे आ गया। अब इन तीनों में से बड़ा कौन सा है हजार वाला अंक? चार वाला, दो नंबर पे आ गया। अब इन दोनों में से बड़ा अंक कौन सा है हजार वाला? दो वाला, तो तीसरे नंबर पे ये और चौथे नंबर पे ये। तो सबसे बड़ी 6000, उससे छोटी 4000, उससे छोटी 2332, फिर उससे छोटी 1150, ठीक है। पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी।
अब अगला देखो, 6530, 3400, 7850 और 2175। इसमें भी हजार तक की संख्या है, तो कौन सा अंक बड़ा है? हजार वाला अंक देख लो, इसमें 6, इसमें 3, इसमें 7, इसमें 2, तो 7 वाला तो पहले नंबर पे 7850 देंगे। अब इनमें से बड़ा कौन सा? हजार वाला अंक 6 वाला, 3 वाला, 2 वाला, तो दूसरे नंबर पे 6530। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा? हजार वाला अंक 3 वाला है या 2 वाला है? 3 वाला, तो तीसरे नंबर पे ये और चौथे नंबर पे ये, ठीक है। तो सबसे बड़ी 7850, फिर उससे छोटी 6530, फिर उससे छोटी 3400, फिर उससे छोटी 2175। पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये अवरोही क्रम है। आगे है चौथा नंबर 2715, 3848, 2675, 2475। और आगे है 8895, 3975, 9805 और 8075। ये भी अवरोही क्रम है, इसमें सब ये भी हजार तक की संख्या है, ठीक है। अब इसमें से बड़ी संख्या देख लो कौन सी है, इसमें हजार का अंक 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, कौन सा बड़ा होगा? 3 वाला, एक नंबर पे आ गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो इसमें हजार का अंक 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो सैकड़े का अंक देखेंगे, इसमें सैकड़े का अंक 7 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, तो कौन सा बड़ा होगा? 7 वाला, दूसरे नंबर पे ही आ गया। तीसरे नंबर पे ही आ जाएगा 6 वाला और चौथे नंबर पे ही आ जाएगा 2475। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 3848। फिर उससे छोटी कौन सी हो गई? 2715। फिर उससे छोटी कौन सी हो गई? 2675। फिर उससे छोटी 2475, ठीक है। पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब आगे देखो 8895, 3975, 9805 और 8075। इसमें भी हजार तक की संख्या है, हजार का अंक देखेंगे, इसमें 8 है, इसमें 3 है, इसमें 9 है, इसमें 8 है, तो कौन सा बड़ा होगा? 9 वाला, तो एक नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों में से बड़ा, हजार का अंक इसमें 8 है, इसमें 8 है, तो सैकड़े का अंक देखेंगे, इसमें सैकड़े का अंक 8 है, इसमें 0 है, तो कौन सा बड़ा वाला होगा? 8 वाला, तो दूसरे नंबर पे ये और तीसरे नंबर पे ये और चौथे नंबर पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या 9805, फिर उससे छोटी 8895, फिर उससे छोटी 8075, फिर उससे छोटी 3975, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी आएगी? 9805, फिर उससे छोटी 8895, फिर उससे छोटी 8075, फिर उससे छोटी 3975। पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है।
अब हम छह का पाड़ा गुणांक से करेंगे। छह का पाड़ा गुणा विधि से छह एकम छह, छह दुनी बारह, छह तिया अठारह, छह चौक चौबीस, छह पंजे तीस, छह छम छत्तीस, छह सत्ते बयालीस, छह अठे अड़तालीस, छह नौ चौपन, छह दाएं सात, छह एकम छह, छह दुनी बारह, छह तिया अठारह, छह चौक चौबीस, छह पंजे तीस, छह छम छत्तीस, छह सत्ते बयालीस, छह अठे अड़तालीस, छह नौ चौपन, छह दाएं सात। वापिस देखो, छह एकम छह, छह दुनी बारह, छह तिया अठारह, छह चौक चौबीस, छह पंजे तीस, छह छम छत्तीस, छह सत्ते बयालीस, छह अठे अड़तालीस, छह नौ चौपन, छह दाएं सात। ये छह का पाड़ा गुणांक विधि से है। अभी आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। प्रश्न एक है, छह का पहाड़ा गुणा विधि से लिखिए। दूसरा है, निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। पहला है 2848, 2975, 2157 और 1584। दूसरा है 1875, 8968, 4357, 3684। तीसरा है 2976, 2816, 2371 और 2485। चौथा है 6985, 5896, 6958 और 3157। और पांचवा है 2315, 2135, 2531 और 2130।
प्रश्न एक है, 6 का 12 गुणा विधि से लिखिए और दूसरा है निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। ये दोनों प्रश्न होमवर्क में कर लेना।